हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ हमारे फ़ोन से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों, कई बार हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है किसी रीज़न से, तो उस कंडीशन में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा फ़ोन का जो डेटा है, हमारे जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, वो किसी भी अननोन पर्सन के हाथों में लगे या किसी ऐसे इंसान के हाथों में लगे जिससे उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है हमारे फ़ोन के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। अपने फ़ोन को हम, अगर हमारा फ़ोन कहीं पे रख के हम भूल गए तो हम उसको रिंग करके हम उसको ढूंढ सकते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ पर है। तो उसके लिए दोस्तों, पहले हमें फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है जिसको हमें इनेबल करना होता है। तो देखिए दोस्तों, सेटिंग क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पर आना होगा। इस तरीके से सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके अपने यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद देखिए, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको डिवाइस एडमिन एंड ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। और उसका देखिए, यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, इसके आगे जो बॉक्स है वो अनचेक है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। और उसका देखिए, यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, आपको बता रहा है कि फाइंड माय डिवाइस के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन लॉक को चेंज कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, और आप कुछ सम फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं स्क्रीन लॉक से रिलेटेड, आप वो भी डिसेबल कर सकते हैं। और उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए फाइंड माय डिवाइस का ये बॉक्स चेक हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोन में सेटिंग कर देनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर जब आपके फ़ोन में सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने फ़ोन को कभी भी अपने जीमेल अकाउंट की मदद से ट्रेस कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के डेटा को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो बताता हूँ कि आप अपने जीमेल से इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको उसके लिए अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर आना होगा और अपने इंटरनेट ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे। और जैसे आप इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप अपने जीमेल अकाउंट के पेज पे आएंगे। और उसके बाद दोस्तों, आप अपने जीमेल अकाउंट के पेज पे आने के बाद अपने यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट को डालना है, जो भी आपने अपने फ़ोन में डाल रखा है, मतलब जिससे भी आपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखा है, उसको यहाँ पे आप इस तरीके से जीमेल अकाउंट को डालेंगे। और उसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट को डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और उसका पासवर्ड देके आप अपने लॉगिन हो जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट में। देखिए दोस्तों, जब आप जीमेल अकाउंट पे अपने लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने राइट साइड कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा आपके जीमेल अकाउंट का, आपकी या फोटो आ रही होगी, आपने जो भी प्रोफाइल डाल रखा होगा वो यहाँ पर शो कर रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका एक और टैब ओपन हो जाएगा गूगल अकाउंट का, और उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन इन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। और उसका देखिए, यहाँ पे आप साइन इन सिक्योरिटी मैनेज के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आपको देखिए, यहाँ पे फाइंड योर फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे फाइंड योर फ़ोन का ऑप्शन का पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे आपका फ़ोन या टैबलेट, जो जिसमें भी आपने, जो भी आपका डिवाइस है, वो यहाँ पे नेम शो कर रहा होगा उसका। और उसका देखिए, यहाँ पे हमें एक साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके से, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो देखिए, आपसे यहाँ पे एक बार लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको अपने जीमेल अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट डाल के, अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन होना होगा अगेन। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों फाइंड योर फ़ोन का पेज ओपन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को लॉक करना चाहते हैं लॉक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, अगर आप अपने डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिंग करने का अपने फ़ोन को। अगर मैं रिंग करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं फ़ोन रख के कहीं पर भूल गया हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है अपने घर के अंदर कहीं पर भी, तो मैं इस ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पर रिंग कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा फ़ोन रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा फ़ोन यहाँ पे रिंग हो रहा है, आप ये सुन सकते हैं।
और उसके बाद देखिए दोस्तों, आप अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का एक और पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखिए आपके डिवाइस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे 16% आपकी बैटरी भी शो करता है कि कितना आपके फ़ोन में बैटरी बची हुई है। और यहाँ पे देखिए मेरा लोकेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। लेकिन इसके लिए देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन में उस टाइम आपके लोकेशन ऑन होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस तरीके से लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए और भी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, सिक्योर डिवाइस अगर, और यहाँ पे देखिए सिक्योर डिवाइस के ऑप्शन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, फ़ोन नंबर, मतलब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहता हूँ उस फ़ोन स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए मेरा फ़ोन अगर चोरी हो गया है, गुम हो गया है, या तो हम चाहते हैं, अगर वो हो सकता है कि कई बार गुम हो जाता है, किसी ऐसे इंसान के हाथ में चले जाएगी जो अच्छा इंसान है, वो उसको भी हम एक मैसेज दे सकते हैं कि हमारा फ़ोन गुम हो गया है और हमारा फ़ोन अगर आपको मिला है तो प्लीज़ आप हमें लौटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, हम जो भी लिखना चाहते हैं। आप यहाँ पे इस तरह मैसेज टाइप कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे फ़ोन के ऊपर आपके यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने मैसेज टाइप किया था वो आ गया, और यहाँ पे कॉल ऑनर आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल चली जाएगी आपके, जिसके पास भी जो भी आपने नंबर दिया होगा उस नंबर के ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पे इरेज डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन के मेमोरी का जितना भी डेटा होगा। इसलिए सबसे लास्ट में ऑप्शन कीजिए, अगर आप ये सारी चीज़ें ऊपर जो मैंने आगे पहले बताई हो करने के बाद भी अगर आप फ़ोन को नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं मिल पाता है, तो आप इस लास्ट में इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन का जो डेटा है वो किसी गलत हाथों में जाने से बच सके, वो डिलीट हो जाए, आपके पर्सनल फ़ोटोज़ किसी गलत हाथों में ना जा सके। तो हम इस तरीके से अपने जीमेल अकाउंट की मदद से अपने फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं, उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं उसके लोकेशन को। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे जीमेल अकाउंट से और हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी से रिलेटेड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने फ़ोन में इस तरीके की सेटिंग को कर सके और अपने डेटा को किसी गलत हाथों पर चोरी हो जाने के कंडीशन में बचा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।